मुझको बेवफा कहने वाले मेरी बेवफाई साबित तो कर, चल तू कहता है तो मान लिया, तू अपनी वफा साबित तो कर। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज भोरे भोर में चर्चा एक बार फिर से लालू प्रसाद की। चुनाव जब आते हैं तो लालू की चर्चा होती है, बाढ़ जब आता है तो लालू की चर्चा होती है, रेल की बात होती है तो लालू की चर्चा होती है, अस्पताल की बात हो तो लालू की चर्चा होती है, जब चुनावी प्रचार की बात हो तो लालू की चर्चा होती है, क्योंकि गवई शैली में बोलने वाले और जमीन से जुड़े होने, कभी भैंस का सिंह पकड़ के चढ़ने की बात करने वाले लालू प्रसाद हमेशा साथियों के साथ साथ विरोधियों के जुबान पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि लालू के बिना कोई भी चुनावी चर्चा पूरी नहीं होती है। एक बार फिर से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2015 में लालू ने किस तरह से भैंस का सिंह पकड़ के उसको पटकनियां दे दी थी, ये बात सबके जहन में है। सबको इसी बात का लेकर के मलाल है कि लालू प्रसाद जेल में हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद की राजनीतिक जमीन बहुत ही मजबूत रही है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने जब चाहा है, जैसे चाहा है, राजनीति करने वालों को अपने हिसाब से बोलने, समझने और अपने पर फोकस रखने के लिए मजबूर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारिता जगत से लेकर के जो भी लोग हैं बिहार से जुड़े हुए या बिहार की राजनीति करने वाले या फिर देश भर की राजनीति करने वाले, उनका ध्यान जरूर आकर्षित कराया है। जब जब सत्ता की बात हुई तो लालू प्रसाद का नाम सबसे पहले आया, जब विपक्ष की बात हुई तो लालू प्रसाद का नाम सबसे पहले आया। लालू प्रसाद का नाम तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब उनके पुराने साथी लालू प्रसाद को याद करके, उन दिनों को याद करके और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीब गुरबों की बात करते हैं और उस धारा पर वर्तमान सरकार के पिछड़ने की बात करते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के पुराने साथियों में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेकर के आप लालू प्रसाद की चर्चा कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आपको बात बताते हैं कि जब शिवानंद तिवारी के साथ, रघुवंश प्रसाद के साथ और भी कई नेता थे जिसमें सुशील मोदी भी शामिल हैं, रविशंकर प्रसाद भी शामिल हैं, अश्विनी चौबे भी शामिल हैं और जेपी नड्डा भी शामिल हैं, ये सारे लोग एक समय के आंदोलन के उपज थे। आंदोलन ने एक बड़ा हिस्सा बिहार के लोगों को दिया। जेपी के मूवमेंट के बाद एक बड़े राजनीतिक परिवार का जन्म हुआ जिसे छात्र जीवन से आगे बिहार की राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला और सभी एक दूसरे को तब सहयोग किया करते थे जो आज एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि नीतीश कुमार आज अपनी राह भटक गए, जबकि आपको बता दें और आप जानते भी हैं कि शिवानंद तिवारी कभी बहुत करीब रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को लेकर के उनके मन में बहुत सारी बातें थी। वहीं लालू प्रसाद आज जेल में हैं। चारा घोटाला की बात करें तो कहीं ना कहीं चारा घोटाला में शिवानंद तिवारी भी एक पार्टी थे जिन्होंने इस घोटाले को उजागर किया था। आपको बता दें, शिवानंद तिवारी कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके शिष्य हुआ करते थे जब 1978 में छात्र आंदोलन चल रहा था। उसके बाद शिवानंद तिवारी गुट के अध्यक्ष के रूप में लगातार उन्होंने आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, बार बार शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को समझाते रहे हैं। आपको वाक्या याद होगा जब राजगीर में पार्टी की बैठक चल रही थी और शिवानंद तिवारी ने वहाँ जेडीयू के सम्मेलन में सीधे तौर पर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को हल्के में नहीं लेने की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था 2014 के चुनाव से पहले जब पार्टी तैयारी कर रही थी लोकसभा की, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को कमतर आंक रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए आपको एक बड़ी योजना बनानी होगी, और ये बातें नागवार गुजरी थी नीतीश कुमार को। उसके बाद से दोनों के बीच में तलखियां आ गईं और शिवानंद तिवारी का राज्यसभा का टिकट कट गया। वहां से शिवानंद तिवारी ने संन्यास ले लिया। पर बाबा कहते हैं लालू प्रसाद शिवानंद तिवारी को, और बाबा को पुनः राजनीति में प्रवेश कराया और 2015 के चुनाव में उन्होंने उन्हें सक्रिय किया और शिवानंद तिवारी एक बार फिर से सक्रिय, राजनीति से संन्यास देने वाले शिवानंद तिवारी लालू के साथ, लालू के रथ पर सवार होकर के राजनीति शुरुआत किए और अपने पुत्र को विधानसभा चुनाव का जीत भी दिलवाया। इसमें लालू की बड़ी भूमिका थी और ऐसी भूमिका बहुत कम लोगों की होती है जो इस तरह की राजनीति करते हों और अपने पुराने साथियों को भूलते नहीं हों।
ऐसी कई वाक्यात हैं जिसको लेकर के लालू एक बार फिर से चर्चा में हैं। और 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अगर रहे और नहीं भी रहे तो दोनों ही परिस्थिति में वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से प्रभावित जरूर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ अब तो भारतीय जनता पार्टी भी लालू प्रसाद की चर्चा शुरू कर चुकी है। एक छोटी सी वाक्य आपको और बताते हैं कि नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से जब बाहर हुए थे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था और ये सोच रहे थे कि वो इस्तीफा देकर के चुनाव करवाएंगे, पर लालू प्रसाद ने उनका हाथ थामा और कहा कि बिना शर्त हम आपका समर्थन करते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी जो कि इस देश को विखंडित करने, सामाजिक न्याय को समाप्त करने और आपसी द्वेष बढ़ाने, हिंदू मुसलमान करने और इस देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का प्लान जो कर रही है उसके विरोध खड़े हैं, तो हम आपका बिना शर्त समर्थन करते हैं। ये बातें आगे चलती रहीं। इससे पहले भी कई वाक्यात ऐसे हैं जो लालू प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी की असामयिक हत्या हुई थी तब उस समय बहुत बड़ा एक वैक्यूम आ गया था भारत की राजनीति में। लालू प्रसाद वो शख्स थे जिन्होंने खड़ा होकर के बड़ी जोर से ये बात आवाज़ लगाई थी कि सोनिया गांधी इस देश की बहू हैं और इस नाते इनका पूरा पूरा अधिकार है और इनका सपोर्ट वो खुल कर करते हैं। सदन में जिस तरह की बातें उन्होंने की उसने पूरे सदन को के माहौल को बदल दिया था, और कई ऐसे नेता थे जो विरोध में खड़े थे, उन्होंने दांतों तले उंगलियां पकड़ ली थी। और लालू प्रसाद का ये विरोध था कि आज भी सोनिया गांधी ससम्मान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लीड कर रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, और देश की राजनीति में वो बड़ा ही प्रासंगिक और एक मजबूत महिला के रूप में जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, जब जब कहीं भी किसी भी राजनीतिक धड़ा को परेशानी हुई, ऐसा लगा कि वो धड़ा गिर जाएगा, तो लालू प्रसाद ने सहारा दिया। 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन का तिलांजलि दे दिया था। आपको वो भी वाक्य याद होगा कि 2014 में किस तरह से राहुल गांधी ने वो अध्यादेश जारी किया जिस अध्यादेश के कारण लालू प्रसाद चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। हालांकि और कई लोग थे जो वंचित हो गए, पर लालू प्रसाद सबसे पहले व्यक्ति थे जो उस अध्यादेश के कारण सक्रिय राजनीति से चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई मलाल नहीं रहा और हमेशा कांग्रेस को अपने साथ लेकर के चलते रहे। 2015 में भी सत्ता की सीढ़ी तक खुद तो पहुंचे ही, बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने कांग्रेस को भी सत्ता का खुशबू पहुंचा दिया। कांग्रेस की 27 सीटें विधानसभा में आई और उन्होंने 4 मंत्रालय भी दिए थे, 4 लोगों को मंत्री भी बनाया था। हालांकि मंत्रालय तो और भी मिले थे, लेकिन 4 विधायकों को मंत्री बनाया था जिसमें MLC भी शामिल थे। अशोक चौधरी उसी की उपज हैं। भले ही वो कांग्रेस से आज जदयू में हो, पर उस समय वो लालू प्रसाद के बड़े समर्थक हुआ करते थे। इससे पहले भी अशोक चौधरी को लालू प्रसाद ने, तब जबकि वो एकदम नई नई राजनीति में आए थे और एक युवा के रूप में, उनको मंत्रालय में शामिल कराया था, राबड़ी मंत्रालय में। ये लालू प्रसाद के ही बस की बात थी। लालू प्रसाद इसीलिए सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा ही प्रासंगिक होते हैं और उनकी चर्चाएं बड़ी जोर से होती हैं। एक बार फिर से 2020 के चुनाव में उन्होंने कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई हैं जिस रणनीतियों को लेकर के लगातार वो चर्चा में हैं। भले ही वो जेल में हैं, लेकिन अपने विरोधियों के लिए आज भी उतना ही ज़्यादा भय और रणनीति के मामले में डराते रहते हैं। वहीं अपने साथी दलों के साथ साथ अपनी पार्टी में जान फूंकने का काम भी वो अपने नीतियों, अपनी बातों से करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जिस तरह की बात की, दलित राजनीति को एक बड़ी धार दे दी। कहीं ना कहीं श्याम रजक जो उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, अचानक से वो अलग हो गए थे और ऐसी स्थिति में 11 साल के बाद उन्हें फिर से आत्मसात किया जब उन्हें जदयू ने बड़ी बेआबरू करके पार्टी से निकाल दिया, अपने साथ रख करके दलित राजनीति का पूरा कमान उनको दे दिया। इतना ही नहीं, उदय नारायण चौधरी हो या फिर अन्य लोग हों, शरद यादव तक को उन्होंने सम्मान दिया जब नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पार्टी से निकाल कर अपमानित किया था। आज स्थिति यह है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद ने एक ऐसा काम किया है जो कि लालू प्रसाद ही कर सकते हैं। आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद जिस तरह से पार्टी से नाराज चल रहे थे, पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे थे,
जब वो शिवानंद तिवारी को इतने बड़े बात को भुला करके कि चारा घोटाले में आज जिस तरह से लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं शिवानंद का भी हाथ है, उनको जब आत्मसात कर सकते हैं तो वो रघुवंश प्रसाद को बाहर कैसे जाने दे सकते हैं। रघुवंश प्रसाद को पार्टी के अंदर सम्मान के साथ लाने के लिए, रखने के लिए और सम्मान देने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि एक तरफ जहां दलित राजनीति वहीं सवर्ण राजनीति को भी लालू प्रसाद ने साधने का काम किया है और ये अलग उनके विरोधियों के लिए और उनके साथियों के लिए दोनों के लिए ही एक बड़ा उदाहरण के रूप में सामने आया है और ये 2020 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है जिसने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है और लालू की माया लालू ही जाने इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी को इंतजार है कि लालू जेल में रह करके जितना ज़्यादा मजबूती से अपनी पार्टी और अपने विरोधियों के धार को मजबूत कर रहे हैं, अगर वो चुनाव में कहीं आ गए तो सदैव लालू कितना ज़्यादा मजबूत होंगे और एक बार फिर से 2015 दोहराया जा सकता है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब और आपके द्वारा किए गए कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। फिर मिलते हैं किसी विश्लेषण किसी खबर के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।